हो, क्योंकि भारत ने इनोवेशन को, शोध को, विकास को पूरी तरह उससे अपने को तटस्थ कर दिया। इंस्टीट्यूशन अपने को एकदम टापू बना लिए, वे केवल डिग्री बांटने तक सीमित हो गए। परिणाम क्या रहा कि हम जहां के तहां थे पड़े रह गए, और हमसे बाद में आने वाले लोग आज दुनिया में सिरमौर बन गए। आज पिछले 9-10 वर्षों में जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, आज उसके परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, और हमें उस दिशा में फिर से प्रयास करना होगा। एक जो यहां पे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी ने जो बात कही, कार्य कोई भी करे, स्टडी हो, कोई रिसर्च हो, या कोई डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य मुद्दा, वह क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें, रिसर्च हमारी, उसकी गुणवत्ता पे कोई प्रश्न न खड़ा करे। हमारा कोई स्टडी हो, वह पूरी तरह ऑर्गेनिक हो, आप देखेंगे उसके परिणाम आएंगे, अवश्य परिणाम आएंगे। दूसरा, हम उस दिशा में प्रयास करें, क्वालिटी देने के साथ साथ हम ये भी प्रयास करें कि प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों को वही दे प्रयास करने चाहिए। उसका भी महत्व होता है। आप कितना भी अच्छा सामान बना लें, लेकिन आपने ऐसे बिखरा पड़ा है, लोग उसको वैल्यू नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, उसकी पैकेजिंग भी कैसे होनी है। तो हमारे यहां हो क्या गया, हम आज भी जैसे आयुर्वेद में होता है, पुड़िया बांध के दे देते हैं, तो वो बीमारी जो रोगी है वो भी उस पर विश्वास नहीं करता है, और कहता अरे ये तो ऐसे ही है लगता है। लेकिन वही दवा, अगर वही दवा हमने टैबलेट फॉर्म में पैक करके उसको दिया है, तो उसका विश्वास होगा कि हाँ इसमें कुछ है, और वह व्यक्ति उस पर विश्वास करके फिर आगे बढ़ता है। हमें आज के समय में अपने को उस रूप में तैयार करना होगा, और अभी भारत ने 9-10 वर्षों में इतनी प्रगति की है, इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हम लोग 2000 एकड़ क्षेत्र में एक फार्मा पार्क का विकास भी करने जा रहे हैं। ललितपुर में कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेडिकल डिवाइस का भी एक पार्क हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद के बीच में तेजी के साथ इस पर कार्य चल रहा है। हमें भी इस पर कार्य करना होगा, संस्थाओं को इसके साथ जुड़ना होगा। मैं बार बार यहां जब आज मैंने आपसे बार इससे पहले भी इस बारे में कहा था कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसके डाटा को अपने पास सुरक्षित रखें। डाटा की बहुत बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है, सब डाटा की लड़ाई चल रही है। फेसबुक का है, ट्विटर का है, जितना है सब डाटा की लड़ाई है। और याद रखना, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। इस समय जितने डाटा हैं, आप किस पे ट्वीट कर रहे हैं, कौन सी आपकी पसंद है, सब उनके पास कलेक्ट होता है, और फिर वह और देखते हैं कि इनकी पसंद इस चीज में है। तो आप तो ये ढूंढते हैं कि मैं ही देख रहा हूं, लेकिन आप जैसे न जाने कितने लोग ये सब ढूंढ रहे हैं, और फिर वह वही प्रोडक्ट अगले कुछ महीनों में मार्केट में आ चुका होता है। आपको आश्चर्य होता, अरे मैं ये चाहता था, ये आ गया है। यानी आप तो ये मानते थे कि मैं सोच रहा था, लेकिन आपको नहीं मालूम आपके जो डाटा है उसके पास सुरक्षित है, और वह उसी को लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दे रहा है। आपको भी करना होगा, आयुर्वेद वालों को देखना होगा कि कोई पेशेंट आया, पेशेंट देखा, पेशेंट के लक्षण क्या हैं, किन स्थितियों में आया था, किस प्रकार का आपने उपचार किया, उसका डाटा तैयार करना, और पूरे हॉस्पिटल का एक एक डाटा को तैयार करके अगर आपने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया,
परिणाम आपके सामने आएगा, और ये डाटा आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत उपयोगी हो सकता है। और उसी डाटा को फिर इकट्ठा करते हुए आप देखेंगे एक महीने, छः महीने या एक वर्ष के बाद आपके पास एक अच्छा आ सकता है। फिर उसको आप ग्राफिक में भी आप बना सकते हैं, किस सीजन में कौन से पेशेंट आए थे, किस प्रकार के आए थे, उसको बना करके अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो डाटा का फिर उसको ग्राफिक में उसको तैयार करना एक बेहतरीन स्टडी आपके माध्यम से। या नर्सिंग के बच्चे काम करते हैं, कार्य करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट की बीएसटी होती है, उस पेशेंट की बीएसटी के माध्यम से भी वे अपनी स्वयं की डायरी में भी डाटा को नोट करके पूरे साल भर के डाटा को कलेक्ट करके पेशेंट की प्रकृति क्या है, किस लक्षण के साथ आए थे, कैसे आए थे, किस रूप में आए थे, कैसे उनके उपचार की पद्धति को कैसे अपनाया गया था, इन सब को लेकर के आप भी अपने एक शॉर्ट एक ब्रीफ स्टडी उसके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपके प्रोजेक्ट वर्क में बहुत मदद करेगा, ये प्रोजेक्ट वर्क ही आपको बाद में रिसर्च के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा देगा। और आज जगजीत सतीश रेड्डी जी और इनकी टीम डीआरडीओ के माध्यम से कोरोना कालखंड के अंदर काम की थी, कितना बेहतरीन परिणाम थे, पीपी किट, पता लगा कि चीन की मोनोपोली थी, 6,000 रुपए में पीपी किट बेच रहा था, और भी बहुत थर्ड क्लास था, बहुत ही घटिया किस्म का। और बाद में कार्य करते करते इन लोगों ने 250 रुपए में वही पीपी, उससे बेहतरीन पीपी किट दे दिया। यानी आप देखेंगे वेंटिलेटर पहले पता लगता था 6 लाख में वेंटिलेटर आ रहा है, इन लोगों ने इतने वेंटिलेटर बनाए, कहा कि वे जितने चाहिए हम फ्री में दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में 36 जिले ऐसे थे कोरोना आने के पहले जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं था, और हम लोगों ने जब उसके बाद वेंटिलेटर डीआरडीओ ने हमें उपलब्ध कराए, भारत सरकार ने उपलब्ध कराए, सभी जनपदों में वेंटिलेटर उपलब्ध हो गए, ट्रेनिंग करवाई, वर्चुअल ट्रेनिंग कराई, फिजिकली ट्रेनिंग कराई, परिणाम रहा जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोगों ने कार्य किया। ऑक्सीजन की कमी पड़ी, ऑक्सीजन के नए संयंत्र स्थापित हुए, उसके लिए नई तकनीक अपनाई गई, आवश्यकता के अनुरूप हम फिर दे सकते हैं, कार्य करने का जज्बा होना चाहिए। और मुझे विश्वास है इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग भी बहुत कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है, अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है। अगर हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए विद्यार्थी, उनसे जुड़े हुए फैकल्टी, आयुर्वेद के साथ, फार्मेसी के साथ, नर्सिंग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप तो बहुत कुछ दे सकते हैं, कई गुना आप बढ़ा सकते हैं, दोगुना ही नहीं, कई गुना बढ़ा सकते हैं किसानों की आमदनी को। और इन राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो विषय रखा गया है, मुझे लगता है कि इस पर और तेजी के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो यहाँ पर विशेषज्ञ आए होंगे, जो साइंटिस्ट आए हैं, जो इसमें डेलीगेट्स आए हैं, वे सभी, कोई भी व्यक्ति बोलता है आप उसको नोट करिए, फिर अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को फिर उसी प्रभावी तरीके से आप भी आगे बढ़ा करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को तय करेंगे, तो इन नए बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रीय संगोष्ठी अपने मिशन में सफल हो, एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ सके, इस विश्वास के साथ मैं महाविद्यालय परिवार को और सभी संबंधित सहयोगी संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी बात को फोकस करते हुए कि हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे इंस्टीट्यूशंस इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर सकें, उसके माध्यम बन सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।